between two planes. ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन, प्लेन पी वन, दिस इज प्लेन पी वन हैविंग इक्वेशन वेक्टर आर डॉट एन वन इज इक्वल टू डी वन. ठीक है, एंड दिस इज प्लेन पी टू, और प्लेन पी टू हैविंग इक्वेशन वेक्टर आर डॉट एन टू इज इक्वल टू डी. है ना, दो प्लेन है, तो वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स ना. तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम फर्स्ट प्लेन पर एक लाइन खींचते हैं ना, और दूसरे प्लेन पर एक लाइन खींचते हैं. हमें दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा दैट इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ना. ठीक है, अब देखिए तो जो फर्स्ट प्लेन पर लाइन आपने रखे हैं इसको एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि अभी प्लेन में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, इसको एक्सटेंड करेंगे तब भी आपको इंटरसेक्शन मिलेगा, जहाँ इंटरसेक्शन होगा और वहाँ पर जो इंक्लिनेशन बनेगा दैट इज एंगल ऑफ ए. ठीक है, इसको एक्सटेंड करिए आप और इसको भी एक्सटेंड करिए. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों कट कर रहे हैं, कहाँ कट कर रहे हैं, इस पार्ट कट कर रहे हैं. ठीक है, इस पार्ट को कट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हो जाएगा. ठीक है, एंगल बिटवीन लाइन लाइन ऑफ प्लेन और एंगल बिटवीन लाइन 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 एंगल बिटवीन लाइन लाइन ऑन टू प्लेन्स इज द एंगल बिटवीन प्लेन इज द एंगल ऑफ बिटवीन प्लेन. ये दोनों प्लेन के बीच का एंगल हो जाएगा ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस टू इंटरसेक्टिंग लाइन लाइन ऑन टू प्लेन इज द एंगल बिटवीन द लाइन इज द एंगल बिटवीन द प्लेन. देखिए एंगल बिटवीन द टू लाइंस लाइन ऑन द प्लेन इज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन. तो देखिए ये लाइन ये वाली लाइन हमारे प्लेन पी वन पर लाई कर रही है, ये वाली लाइन हमारे प्लेन पी टू पर लाई कर रही है. तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल हमने देखा ये है, तो यही क्या है एंगल बिटवीन द प्लेन हो गया, एंगल बिटवीन द प्लेन ना. अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए हम जो है एंगल वेक्टर की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, एंगल वेक्टर की डायरेक्शन की जरूरत है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन ना. ठीक है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आपका एम वन की डायरेक्शन ही होगी, एम वन की जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है इन आउटवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, ये आपका एम वन वेक्टर होगी. ठीक है, ये वेक्टर एम वन ना. अब एम टू वेक्टर निकाला है, ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन आउटवर्ड डायरेक्शन होगा ना. ठीक है, तो यहाँ पर भी नाम रखीजिए, यहाँ पर नाम रखीजिए, तो ये आपका जो है डायरेक्शन ऑफ एंट्री हो गया. ठीक है ना, अभी दोनों को स्टैंड करते हैं, दोनों क्या करते हैं स्टैंड करते हैं है. तो स्टैंड करिए, तो यहाँ पर जाकर कट करता है, ये कहाँ कट करता है, यहाँ इस पार्ट पर ना. ठीक है, इस पार्ट पर कट कर रहे हैं, तो ये आपको तो ये जो एंगल दोनों नॉर्मल बीच का एंगल जो होगा ये हम फाइंड करते हैं. तो देखिए ये चीज हमारा 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री है ना. ठीक है, क्योंकि हमने नार्मल खींचा है, ये हमारा 90 डिग्री है क्योंकि हमने नार्मल खींचा है और ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा हो जाएगा. कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो गया ना, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. देखिए ये आपका क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ए बी सी और ये डी, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल है. तो इसमें दो एंगल हमारा 90 डिग्री है, देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री, ये आपने थीटा माना, एंगल बिटवीन टू प्लेन माना है ना. तो जो इसका फोर्थ एंगल है बी, वो 180 माना थीटा हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, वो 360 होता है ना. तो 90 प्लस थीटा प्लस 5 अननोन एंगल इसको 360, तो अननोन एंगल जो है 180 माइनस थीटा हो जाएगा. अगर ये 180 माइनस थीटा है, अगर ये एंगल 180 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है. ठीक है, स्ट्रेट एंगल है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है. तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है, 180 होता है, अगर थीटा तो थीटा हो जाएगा ना. तो इस टाइप से एंगल बिटवीन नॉर्मल एन वन एन टू क्या हो गया, थीटा. एंगल बिटवीन नॉर्मल एन वन एन टू क्या हो गया, थीटा हो गया. पुश द एंगल बिटवीन द प्लेन्स है, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एन वन एन टू क्या है, एंगल ऑफ प्लेन. ठीक है, तो अगर हम
थीटा की वैल्यू निकाल लें, इसका मतलब एंगल, अगर हम एंगल बिटवीन टू डार्क निकालें तो इसका मतलब हमने एंगल बिटवीन टू प्लेन निकाल लिया है, ठीक है। तो जैसे दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा कर देते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर एन वन एन टू दो वेक्टर हमारे पास, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो थीटा अगर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एन वन डॉट एन टू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एन वन डॉट एन टू क्या हो जाएगा बताओ, एन वन डॉट एन टू वेक्टर एन वन, चलिए वेक्टर एन वन डॉट एन टू इसको क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एन वन इन टू मॉड ऑफ एन टू है ना, इन टू कॉस ऑफ थीटा इन टू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम ना, तो यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा आपका एन वन वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन टू वेक्टर। तो इस इक्वेशन से आप जो है एंगल बिटवीन टू प्लेन निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से एंगल बिटवीन टू प्लेन निकाल सकते हैं। तो जैसे टू प्लेन आर डॉट एन वन इज टू डी वन, आर डॉट एन टू है, तो एंगल बिटवीन प्लेन निकालना है, तो कॉस थीटा क्या हो गया, एन वन डॉट एन टू अपॉन मॉड ऑफ एन वन इनटू मॉड ऑफ एन टू, ये होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप एंगल बिटवीन टू प्लेन फाइंड कर सकते हैं, है ये ना। जैसे एन वन का डायरेक्शन रेशियो मान लीजिए, एन वन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, मानते हैं ए बी सी, ए बी सी डायरेक्शन नंबर ऑफ वेक्टर एन वन है, ठीक है। एन टू का डायरेक्शन नंबर चले ए वन बी वन सी वन ले लेते हैं, और एन टू का जो है डायरेक्शन नंबर ए टू बी टू सी टू ले लेते हैं, ए टू बी टू सी टू है। तो वेक्टर एन वन क्या हो जाएगा बताओ, वेक्टर एन वन आपका हो जाएगा ए वन वेक्टर आई प्लस बी वन वेक्टर जे प्लस सी वन वेक्टर के, ठीक है। वेक्टर एन टू क्या हो जाएगा, वेक्टर एन टू होगा आपका ए टू वेक्टर आई प्लस बी टू वेक्टर जे और प्लस सी टू वेक्टर के, है ना, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो कॉस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, स्केलर क्वोटेंट ऑफ एन वन एंड एन टू, तो स्केलर क्वोटेंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, हाँ आई आई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, जे जे का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, के के का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों को जोड़ लेते हैं, ये आपका स्केलर क्वोटेंट बन जाता है ना। इसके अकॉर्डिंग ए वन ए टू और प्लस बी वन बी टू और प्लस सी वन सी टू, तो दिस इज द स्केलर क्वोटेंट ऑफ एन वन एंड एन टू। अब मॉड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन वन निकालना, क्या करेगा, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई जे के ना, ये क्या हो जाएगा, ए वन स्क्वायर और प्लस ए टू स्क्वायर और प्लस ए थ्री स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए वन, हाँ दूसरे क्या होगा, ठीक है, ये आपका बी वन कोफिशिएंट है, ए वन बी वन आपने माना, ए वन बी वन सी वन माना है ना, इसलिए ए वन स्क्वायर और बी वन स्क्वायर और सी वन स्क्वायर हो गया। दूसरे का कोफिशिएंट क्या माना आपने, ए टू स्क्वायर बी टू, ए टू बी टू सी टू माना है, इसलिए ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर और प्लस सी टू, ठीक है, ये कॉस थीटा होगा है, ये ना। तो यहाँ से एंगल बिटवीन टू प्लेन आपको मिल जाएगा है, ठीक है। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन्स, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन्स, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन्स, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन्स, ऑफ टू प्लेन्स, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होगी ना, देखिए थीटा इक्वल टू 90 लेंगे तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 90 ले लीजिए, राइट, तो थीटा इक्वल टू क्या है 90 ना, तो इस इक्वेशन में हम 90 डिग्री रखते हैं, इसको क्या है, तो चलिए यहाँ पर रखिए, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू और प्लस सी वन सी टू अप
तो इसको आप जीरो कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉस 90 को लिख जीरो हो जाएगी, ध्यान जीरो रख दीजिए इसको बेटा। हाँ चलिए, तो जीरो जीरो इसको लिखना हो जाएगा, ए वन स्क्वायर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन, ठीक है, क्योंकि ए के जाकर के अपान अपान में जो क्वांटिटी है उसको राइट ले लेते हैं, लेफ्ट ले लेते हैं तो जीरो हो जाएगा ना। तो दिस बिकम कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ये क्या हो जाएगा, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी हो जाएगा, माने रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर और प्लस सी वन स्क्वायर ना, ठीक है, और फिर रूट ए टू स्क्वायर और प्लस बी टू स्क्वायर और प्लस सी टू स्क्वायर है ना। इसको क्या हो जाएगा, ए वन ए टू और प्लस बी वन बी टू और प्लस सी वन सी टू इसको जीरो, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन, ये दो प्लेन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है, ठीक है। अगर दो दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब चलिए कंडीशन ऑफ पैरेलल, कंडीशन ऑफ पैरेलल पैरेलल कब होगा, कंडीशन ऑफ पैरेलल पैरेलल कंडीशन ऑफ एंगल बिटवीन इन लाइन एंड प्लेन